नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। जब से कॉनमैन सुकेश के मनी लॉन्ड्रिंग केस की चर्चा हुई है, तब से जैकलीन का नाम सामने आ रहा है। अब बता दें कि जैकलीन का नाम भी इस केस में चार्जशीट पर आ गया है। इसी के चलते आज सुबह जैकलीन ने एक मोटिवेशन स्टोरी भी शेयर की। डालिए नजर इनकी इस स्टोरी पर। आर माधवन अपनी आने वाली मूवी धोखा के प्रमोशन की तैयारी में लगे हुए हैं। आज मूवी के टीजर रिलीज पर प्रेस के साथ बातचीत करते समय मैडी ने बॉयकॉट ट्रेंड पर अपनी राय देते हुए कहा कि अगर लोगों को पिक्चर पसंद आएगी तो वो थिएटर्स में जरूर आएंगे। साथ ही जैकलीन पर लगे आरोपों पर बोलते हुए आर माधवन ने कहा कि वह प्रे करते हैं कि जैकलीन इस सबसे जल्दी बाहर आ जाए। अभिनेत्री शेफाली शाह हाल ही में डार्लिंग्स में आलिया भट्ट के साथ नजर आई थी। इन दिनों अभिनेत्री अपनी आने वाली वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें कोविड हो गया है। एक नोट शेयर कर उन्होंने बताया कि वह आइसोलेशन में है और सबको सेफ रहने की सलाह दी है। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बाद लोगों ने अब शाहरुख खान और सलमान खान की आने वाली फिल्म पठान और टाइगर 3 बॉयकॉट करने की मांग करी है। इसकी वजह इन सितारों के कुछ पुराने स्टेटमेंट्स हैं, जहां एक तरफ शाहरुख खान के वायरल वीडियो में वह ग्रोइंग इनटॉलरेंस की बात करते नजर आ रहे हैं। आई थिंक हम थोड़े इंपेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंट थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास। वहीं सलमान खान आतंकी हमलों पर अपना बयान देते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए, तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ के न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज़ ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।